Hi, my name is Amir. Welcome back to the new video of my channel, that is Physics for Backbenchers. Okay, so today we'll continue electrostatics. Electrostatics mein already we have talked about charge and types of charge. Humne electron proton ki naming ke bare mein bhi detail mein baat kari thi. Okay, so aaj baat karte hain properties of charge ki. ठीक है, बहुत सारे properties हैं, one by one देखते हैं. First property में क्या बोला कि like charges will repel each other and unlike charges will attract each other. Like means same nature, means positive will repel, negative will repel, positive negative will attract. And what about positive and neutral? What about negative and न्यूट्रल? यहाँ तक तो अपने को पता है रिपल्सन अट्रैक्शन. तो ये दोनों के बारे में भी मैं बता देता हूँ. अट्रैक्शन होगा, कैसे होगा ये आगे बात करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर. ये बात अलग है कि अब लाइक में भी अट्रैक्शन होता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया. ओके, जोक्स ऑफ पार्ट, चलो सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने से पहले अपन बात करते हैं इंडियन करेंसी का. जो इंडियन में अपन पैसा एक्सचेंज करते हैं, पेटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग की बात नहीं करते फिजिकली, तो आप मिनिमम कितना ट्रांसफर कर सकते हो किसी एक जने से दूसरे जने? एक रुपया. दैट इज इंडियन करेंसी हैविंग द मिनिमम अमाउंट इज 1 रुपी टू एक्सचेंज. ठीक है, करेक्ट है. या तो 1 रुपये के इंटीग्रल मल्टीपल में. इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स 1 into 1, 1 into 2, 1 into 3, 1 into 100, 1 into 200. तो ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल में या तो आप ट्रांसफर कर सकते हो. आप 2.5 रुपया ट्रांसफर नहीं कर सकते. 1 into 2.5 रुपीज यू कैन नॉट ट्रांसफर टू दी यू नो बैंक और एनीबॉडी. ठीक है, तो जो मिनिमम अमाउंट होता है ट्रांसफरेबल उसे बोलते हैं क्वांटा. ठीक है, विल से क्वांटा. तो इंडियन करेंसी में क्वांटा क्या है? 1 रुपी. ठीक है, तो जब भी आप बैंक में पैसे जमा करने जाओगे, ठीक है, तो मिनिमम कितना जमा कर सकते हो आप? 1 रुपी, या तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 रुपी. तो जब आप बैंक में जमा कर रहे हो 1 रुपी या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 रुपी, तो बैंक में जो मनी का एग्जिस्टेंस होगा वो भी तो ऐसे ही तो होगा, या तो 1 रुपी या तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 रुपी. तो जो बैंक में एग्जिस्टेंस है मनी का, एक क्वांटा और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा को, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सॉरी क्वांटाइजेशन ऑफ मनी. ठीक है, आई बात समझ में? मतलब पहले तो एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए फिक्स, जिसको अपन क्वांटा बोलेंगे, और जब भी ट्रांसफर हो तो उसके इंटीग्रल मल्टीपल में. 3/4 गुना दैट क्वांटा, ऐसा नहीं, इंटीग्रल, तो अपन बोलेंगे कि हाँ वो चीज क्वांटाइज है. अब बात करते हैं मास की. मास क्वांटाइज है कि नहीं? मास का मिनिमम वैल्यू ढूंढ. 1 kg, अरे नहीं 1/2 kg भी पॉसिबल, 1/2 kg, अरे नहीं 200 ग्राम भी पॉसिबल है, 1 ग्राम पॉसिबल, 0.5 ग्राम पॉसिबल, 0.00005. अबे अपने को क्वांटा तो मिला ही नहीं बॉस. तो क्वांटा नहीं मिला तो अपन इंटीग्रल मल्टीपल में कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो नहीं कर पाएंगे, तो मास क्वांटाइज नहीं है. आई बात समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं क्लास में जो स्टूडेंट आप लोग बैठे हुआ. ठीक है, तो आप लोग क्वांटाइज हो कि नहीं? मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1. एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम को बच्चे को भेजना है तो या तो 1 को भेजेंगे या तो 1 के इंटीग्रल मल्टीपल में, 1 into 2, 1 into 3, आधा काट के थोड़ी भेजेंगे यार. तो ये जो 1 है उसको क्वांटा बोलेंगे, और उसके इंटीग्रल मल्टीपल में जो एग्जिस्टेंस होगा अब नए क्लासरूम में, उस चीज को बोलते हैं क्वांटाइजेशन.
ठीक, अब बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज किसी भी बॉडी में एग्जिस्ट करेगा, चार्ज किसी भी बॉडी में एग्जिस्ट करेगा तो मिनिमम होता है, आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करो तो मिनिमम आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, मिनिमम। तो इस वन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं क्वांटा, ठीक है, और ये होती है चार्ज की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज इज वन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। अब हमने मैग्नीट्यूड सीख लिया, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये होता है मिनिमम पॉसिबल चार्ज आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो ट्रांसफर करोगे। या तो आप इसकी इंटीग्रल मल्टीपल में कर सकते हो, 1 × 2, 1 × 3, 1 × 300, 1 × 900, लाइक दिस, ये इंटीजर होना चाहिए। तो अब बताओ, जब आप ट्रांसफर इस बॉडी को दे रहे हो वन इलेक्ट्रॉन या वन इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में, तो इस बॉडी में जो एग्जिस्टेंस होगा चार्ज का वो या तो वन इलेक्ट्रॉन होगा या वन इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, राइट। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होएगा, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई बात समझ में? तो एक फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, विच इज क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, कि किसी बॉडी में जो चार्ज होगा वो या तो एन को मान रखो तो वन इलेक्ट्रॉन होगा, या तो एन के वन के इंटीग्रल में, मतलब अब यहाँ टू रख दो, थ्री रख दो, फोर रख दो, तो एन क्या हो जाएगा, इंटीजर। आई बात समझ में? बिल्कुल ईजी है। तो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक फार्मूला टाइप हो गया, जिसमें E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और ये होता है मिनिमम पॉसिबल चार्ज, ठीक, कि जब भी आप ट्रांसफर करेगा तो इससे ज़्यादा, इससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक। करना है तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में करो। हालांकि बियॉन्ड, अगर IIT सिलेबस, मेन सिलेबस, PMT सिलेबस जाए तो इससे छोटा भी है, पर अपने काम का नहीं है, अपने लिए यही छोटा है, ठीक है, अपने सिलेबस में इसी तक की बात करी गई है, ठीक। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, क्यू इज इक्वल टू एनी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज जो है वो वन कूलम है, ठीक है, तो बताइए वन कूलम चार्ज उस पे है तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कम होगा और नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा होगा, ठीक। तो यूज करते हैं क्यू इज इक्वल टू एनी, अपने को पता है क्यू की वैल्यू दी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को निकालना है, एन इज इक्वल टू व्हाट, तो एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई, क्यू की वैल्यू 1 कूलम, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, कूलम एंड कूलम कैंसिल, सो व्हेन यू विल डिवाइड दिस यू विल गेट 6.25 × 10⁻¹⁸, ऑल्सो यू कैन राइट 6.25 × 10⁻¹⁶। तो अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी से रिमूव हो गया होगा, और अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पर आया होगा, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये है कि चूज दी मिनिमम पॉसिबल, चूज दी पॉसिबल चार्ज, ओके, क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन क्यू इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁰ कूलम, सेकंड है क्यू इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁸ कूलम, थर्ड है क्यू इज इक्वल टू 4/3 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, एंड फोर्थ है Q इज इक्वल टू 4/2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये है कि चूज दी पॉसिबल आंसर्स और पॉसिबल ऑप्शंस, करेक्ट पॉसिबल आंसर्स, ठीक है। तो आप एक मिनट के लिए सॉल्व करो, ठीक है, मिलकर सोचते हैं। फर्स्ट क्या है, Q इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁰, क्या ये पॉसिबल है?
हमारा मिनिमम पॉसिबल एग्जिस्टेंस कितना है? -19, एंड -20 इज लेसर देन -19, दैट्स व्हाई दिस वन इज नॉट पॉसिबल. ऑल्सो यू कैन राइट दिस 1/10 इंटू 1.6 इंटू 10^-19. ये तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होगी, और ये 1/10 है जो कि इंटीजर नहीं है. दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल चार्ज. ठीक है, सेकंड पे आते हैं. क्यू इज इक्वल टू 1.6 × 10^-18 कम है, इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं क्या? 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड. ये 10 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -19. ये 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि इंटीजर है. यस, दिस वन इज पॉसिबल. इस पे आते हैं. 1.6 × 10^-19 तो समझ में आता है, पर ये 4/3 जो है वो इंटीजर नहीं है. दैट्स व्हाई दिस वन इज नॉट पॉसिबल. आते इस पे. q इज इक्वल टू 4/2 इंटू, ये तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एंड ये 4/2 क्या है? 2 × 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. सो ये इंटीजर है. यस, दिस वन इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके, नाउ वी विल मूव फॉर द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? आप एक आइसोलेटेड सिस्टम लीजिए. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि अंदर जो चीज है वो बाहर से एक्सचेंज कुछ भी नहीं करेगा. ठीक है, जैसे ये क्लासरूम में हम सब बैठे हैं, 100 जने बैठे हुए हैं, तो 100 जने के पास जितने भी मनी है, अगर हम डोर लॉक कर दें, बाहर से एक्सचेंज बंद कर दें, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया. और इस आइसोलेटेड सिस्टम में आप पैसे चाहे सारे मुझे दे दो, आई डोंट माइंड, या तो सारा आप ले लो एक जने को ही, या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो. मनी तो उतना ही रहना, ठीक है ना, पैसा तो उतना ही रहेगा ना बॉस. तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ये जो क्लासरूम है इससे एक्सचेंज बिल्कुल क्लोज हो चुका है. ठीक, तो अब मनी जो है वो कंजर्व है, चाहे आप किसी को भी दे दो. उसी तरह आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे जो है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है चार्ज का. मीन्स ना हम बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, ना बाहर इलेक्ट्रॉन्स को जाने देंगे. ठीक है, तो ये जो सिस्टम है वो बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है. ठीक, इस आइसोलेटेड सिस्टम में हम दो न्यूट्रल बॉडी को लेते हैं. न्यूट्रल जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है. ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 प्रोटॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स, दोनों न्यूट्रल है. ठीक है, मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया इसको, तो ये अब हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स 5 प्रोटॉन्स, और ये हो गया 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स. तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज. ठीक, अब बोलोगे आप कि आपने बोला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली एक्सचेंज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ठीक, आप बोल रहे हो कि शुरू में दो बॉडी न्यूट्रल था, अभी दोनों को चार्ज कर दिया, तो चार्ज तो हो गया ना? नहीं, चार्ज कुछ उतना ही है. आप इस आइसोलेटेड सिस्टम में अगर बात करो तो पहले कितना इलेक्ट्रॉन्स था? 10 + 5 = 15 इलेक्ट्रॉन्स, एंड प्रोटॉन्स 5 + 10 = 15. अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अगेन 15 प्रोटॉन्स 15. तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज अभी भी 0 है, पहले भी 0 था, कंजर्व ही है. ठीक, ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ. एक्सचेंज तो हमने भी किया था, एक्सचेंज पॉसिबल है. अगर सारा पैसा आप मुझे दे दोगे तो मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा, पर इस रूम में पैसा तो उतना ही है. समझ रहे बात को? तो इसमें अभी भी चार्ज उतना ही है, पहले भी 0 था, अभी भी 0 है नेट. ठीक है, पर पहले ये दोनों न्यूट्रल थे, अब ये दोनों चार्ज है. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. ये आइसोलेटेड सिस्टम बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना, जैसे थर्मस का हमारा काम है, ना हीट को बाहर जाने देता है, ना हीट को अंदर आने देता है. तो थर्मस भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है हीट का. ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं. चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी.
फोर्थ वन, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन तो होता भी नहीं है, और आगे कुछ वेक्टर एडिशन की तो बात ही नहीं कर सकते जब डायरेक्शन ही नहीं है. फिफ्थ, चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ वेलोसिटी. इनवेरिएंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब है, आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो जानते ही हो कि अगर किसी मास को आप भगाते हो स्पीड ऑफ लाइट से तो उसका मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट. ठीक है ना, फॉर्मूला m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर. मतलब किसी भी, इसको बोलते हैं रेस्ट मास, ये होता है वेरिएबल मास. किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्पीड कितना देते हो, स्पीड ऑफ लाइट, तो सी स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, m नॉट डिवाइड बाई 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्पीड ऑफ लाइट से भगाते हो तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है. इसका मतलब क्या है, मास वेरिएंट है, मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. पर यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी में बोल रहा है कि चार्ज ना बॉस बिल्कुल वेरी नहीं करेगा, चाहे आप स्पीड ऑफ लाइट से भगाओ या उसके हाफ से भगाओ या कुछ से भी भगा दो, चार्ज की वैल्यू कॉन्स्टेंट ही रहनी है. क्यों, इसका डिटेल बिल्कुल इजी है, क्योंकि आप मास उसमें ऐड होगा तो प्लस माइनस तो सेम रहना है, तो चार्ज चेंज ही नहीं होएगा. तो फिफ्थ क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट इनवेरिएंट ऑफ वेलोसिटी. ठीक, और एक और हमने सिक्स की बात करी ली थी, क्या कि रिपल्सन इज दी ओनली स्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि अट्रैक्शन तो पॉजिटिव और न्यूट्रल में भी होता है, नेगेटिव और न्यूट्रल में भी होता है. दैट इज सिक्स. सो दैट्स ऑल फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे ऑल्सो. इन नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू फ्रॉम मैकेनिक्स, देन विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू सो मच.